हेलो, हाँ ये मैं आपको विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड बनाना सिखाते हैं। कैसे डिजाइन बनता है और कैसे आईडी कार्ड बनता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, एलसीडी चाहिए जिसमें हमारी वीडियो चलेगी, उसके बाद कीबोर्ड चाहिए, उसके बाद माउस चाहिए, उसके बाद जे ऑन भी होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बताते हैं आप। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसी में डिजाइन बनता है। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ओके, हम इस पे न्यू पेज लेंगे। पेज लेने के बाद हम इस पे कार्ड का साइज, जो विजिटिंग कार्ड या आईडी कार्ड का साइज होता है, वो हम इंची ऑन करेंगे। और इसके बाद जहाँ पे हम 3x2 साइज जे भर लेंगे हम। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको ऐसे कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम इसमें कोई कलर जो इमेजेस होती है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें डालता हूँ अभी। अभी देखिए, हमने ये नेट से फाइल उठा ली है, वॉलपेपर सा उठा लिया है, मिक्सिंग किया हुआ। अब हम इसको ऐसे रिवोल्ड में आप पावर क्लिक कर देंगे तो जो है इसके बीच में घुस जाएगा। देखिए घुस गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं देखना। फिर हम एक जेपीजी फाइल लेंगे, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हम जहाँ पे एक सर्कल लेंगे, फिर इसका जो साइज है हम नाप लेंगे, जैसे 1 इंची बाई 1 इंची हो गया। ठीक है, इसको हम जहाँ पे फिट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें फ़ोटो डाल देंगे। ठीक है, हम इसको भी इस फ़ोटो को जहाँ से पावर क्लिप करेंगे और इस फोटो के बीच में रंग लगा देंगे। ठीक है, हमने जो एक जेपीजी फाइल बना के रखी हुई है पहले से, इसको भी हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे जो क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, इसका प्रोसीजर कुछ और होता है। उसके बाद आप सीरियल नंबर भी इधर लगा सकते हो, जैसे 140 1 2 3 4। ठीक है, आप एक से भी स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एक से कर सकते हो, 0 1 से कर सकते हो, सीरियल नंबर है कोई, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नाम भी चेंज कर सकते हो, बाकी फॉर्मेट सब वैसे ही बना रहेगा, सिर्फ आपको एक फ़ोटो और सीरियल नंबर और नेम यही चेंज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये तो एक हिसाब से आईडी कार्ड का फ्रंट हो गया ना। अब इसका हम बैग भी बनाते हैं। ठीक है, हमने फिर इसी को कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपका जो मैटर होता है वो टाइप कर लो, जैसे हमने पहले जो बना के रखा हुआ है मैटर। ठीक है, ये सेम ही होता है बैक साइड पे, इसको हम जहाँ पे लगा लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये जब कटिंग होगा तो कटिंग होने के बाद ये पूरा ही बराबर हो जाता है। ये तो आईडी कार्ड का डिज़ाइन हो गया है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं जहाँ से सेव कर लेना है हमने। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो भी फाइल हो गई ऐसे करके हमने सेव कर लेना है। ये आपका डिज़ाइन अब कहीं नहीं जाएगा, सेव है। इसी को देख कर आप स्कूल के आईडी कार्ड कुछ भी बना सकते हो। हम मैनुफैक्चरर हैं, हम बनाते हैं। अगर आपको भी कोई स्कूल वाले वीडियो देख रहे हो तो आप बनवा सकते हो हमारे से आईडी कार्ड। ठीक है, हर तरह के आईडी कार्ड उपलब्ध है। जो शीट होती है इस पर हम प्रिंट करते हैं ऐसे प्रिंटर पे, तो आपके पास एक प्रिंटर भी होना चाहिए, कलर प्रिंटर। इस पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट होने के बाद ये ऐसा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, प्रिंट होने के बाद हम उसको ये वाली जो प्लास्टिक की शीट होती है इस पर हम
ऐसे करके होल लैमिनेशन मशीने पे हीट कर देते हैं। हीट होने के बाद उसके बाद हम इसको कटिंग कर देते हैं इस मशीन में। ये देखिए, वैसे आपको एक सैंपल करके बता देता हूँ अभी। ये देखिए, ये विजिटिंग कार्ड की तरह कट गया है। ऐसे आईडी कार्ड जी कटिंग हो जाता है। ये देखिए, ये 100-100 के मुट्ठे हैं, 100-100 के कार्ड है बने हुए, रबड़ बांधी हुई है, 100-100 के है, गिन के सीरियल वाइज नंबर लगे हुए हैं, 14-07-270 इस पे लग नंबर लगा हुआ, 100-100 के कार्ड है बने हुए। अगली बार हम आपको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना और कटिंग करना बताएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में।